अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्राज किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही क्विक और मज़ेदार एग्लियो ओलियो स्पैगेटी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसको सॉस के बगैर भी बना सकते हैं और सॉस के साथ भी। सबसे पहले हमें स्पैगेटी बॉयल करने के लिए 6 से 8 कप पानी दरकार होगा, जिसको हमने बॉयल होने के लिए ऊपर रख दिया। और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिए। अब हम इसमें 400 ग्राम के करीब स्पैगेटी ऐड कर देंगे और इसको टेंडर होने तक बॉईल करेंगे, लेकिन इसको इतना ज़्यादा नहीं गलाना कि आप इसमें स्टिक हो जाए। जब तक हमारी स्पैगेटी बॉईल हो रही है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने ये एक फुल चेस्ट के 4 हिस्से कर लिए, यानी कि 4 पार्ट्स में इसको कट कर लिया। और इसको अच्छा सा हम हैमर से फ्लैट कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट भी हो जाए और जल्दी टेंडर हो जाए। जब ये अच्छा सा फ्लैट हो जाए तो हम इसके ऊपर कुछ सीजनिंग के लिए स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमारे पास है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, इसमें डाल लिया हमने अपने बॉल में। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब ही ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून के करीब ही मिक्स हर्ब्स। आप इसकी जगह पे ऑरिगेनो और थाइम भी ऐड कर सकती हैं। और 1 टीस्पून के करीब ही हमारे पास है गार्लिक पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इससे हम अपने चिकन के पीसेस को मैरिनेट करेंगे, अच्छा सा रब करते हुए दोनों साइड से, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। जब तक हमारे चिकन के पीसेस मैरिनेट होंगे, हमने अपना ग्रिल पैन फ्लेम पर रख दिया ताकि अच्छा सा वो गर्म हो जाए। इनको अच्छा सा मैरिनेट करने के बाद हम चलते हैं ग्रिल पैन की तरफ। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल और अच्छा सा इसको ब्रश कर लेंगे, फैला लेंगे ब्रश की मदद से, ताकि हमारे स्टेक्स अच्छे से ग्रिल हो जाएं। अब हम अपने चिकन के पीसेज ऊपर रख देंगे ग्रिल करने के लिए। हमारा अच्छा ये हॉट है इस वक्त ग्रिल, 3-4 मिनट एक साइड से पकाएंगे और जब ग्रिल के निशान आना शुरू हो जाएंगे और पक जाएगा एक साइड से, तो इसको पलट लेंगे। और ये देखें, जब अच्छी तरह से टेंडर हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। अब चलेंगे हम अपनी, हमारी स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है, अब चलेंगे हम उसकी सीजनिंग की तरफ। स्पैगेटी में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑलिव ऑयल, यानी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 4 से 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, यानी कि 4-5 जवे लहसुन के बारीक बारीक कटे हुए ऐड करेंगे। इसको हम बहुत तेज़ गरम ऑयल में ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लाइट, अभी गरम हो जब ऑयल तभी आपने ऐड कर देना, और आहिस्ता से चलाते हुए इसको लाइट ब्राउन करना है। जब लहसुन हमारा अच्छा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। अब हम ऐड करेंगे कटी हुई लाल मिर्ची, हमारे पास ड्राई रेड चिलीज, इनको हमने सीजर से काट लिया है। आप चाहें तो क्रश रेड चिली भी ऐड कर सकती हैं। ये हम थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं, इसके बगैर अगर आप ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके बनाना चाहें तो भी बहुत अच्छा बनेगा। इसको हल्का सा सॉटे करने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और अपनी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सॉल्ट तकरीबन हमने ऐड किया है इसमें 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमारे स्पैगेटी में 2 टेबल स्पून उसके पानी में एडिड था। और 1/2 टीस्पून ही हम काली मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। अब हम अपनी बॉयल्ड स्पैगेटी लाएंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से हम 2 स्पून लेके वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड हो जाएं और ऑयल अच्छा सा जज्ब हो जाए इसमें और गार्लिक का अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए।
इसको इस तरह ही हम मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट पकाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है इस वक्त। जब सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे और दोबारा इसको मिक्स करेंगे इस तरह ही तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब हमारी स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं हम अपने सॉस की तरफ। सॉस बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब बटर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल ताकि हमारा बटर जल ना जाए और इसको मेल्ट होने तक हिलाएंगे। जब बटर अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इस चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे और मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। इसके अंदर लम्स ना बने इसके लिए हम एक विस्कर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के करीब चीज़। आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें चेडर चीज़ ऐड की है। साथ साथ हिलाते जाएंगे और बिल्कुल लो हीट पर हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब। पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि क्रीम में ऑलरेडी चीज़ में सॉल्ट होता है। और हाफ टी स्पून के करीब मिक्स हर्ब्स और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर चला लेंगे। हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं हम अपनी असेंबलिंग की तरफ अपनी स्पैगेटी की। स्पैगेटी हमने ऐड कर ली है और हमने अपना ग्रिल्ड चिकन भी उसके स्लाइसेस करके साथ रख दिया है। थोड़ी सी ऊपर से हम पार्सले स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो इसको सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं और सॉस के बगैर भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे। लीजिए हमारा यमी सा एग्लियो ओलियो स्पैगेटी विद ग्रिल्ड चिकन बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाए और इन्जॉय करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।